नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे, कणाद केमिस्ट्री में पुनः आपका स्वागत करता हूं। मूल निकालने के लिए हम लोग प्रेरित हुए थे और मूल निकालने के लिए जनरली यूज क्या करते हैं हम लोग, तो मूल बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में डिवाइडेड बाई आणविक द्रव्यमान, यही एक कॉमन सा फॉर्मूला है जिसका उपयोग करके मोल निकाला जाता है। किसी पदार्थ का, किसी यौगिक का मोल निकालना हो तो उसके लिए पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा आणविक द्रव्यमान इसका यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर मास। तो मोल इस फॉर्मूला से निकलेगा और एक प्रश्न बनाकर हम लोग देखते भी हैं। जैसे एक आपके लिए प्रश्न हो जाएगा कि पायरीन, प्रश्न है एक, पायरीन के पायरीन के 250 ग्राम में इसके मोल की संख्या क्या होगी। पायरीन के 250 ग्राम में इसके मोल की संख्या क्या होगी, ऐसा अगर आपको प्रश्न दे तो सबसे पहले पायरीन जो एक अग्निशामक का काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर है, तो पायरीन अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसी को आप बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन, तो टेट्राक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। पायरीन का फॉर्मूला होता है CCl4। सबसे पहले इसका CCl4 का आपको निकालना होगा आणविक द्रव्यमान। तो जब आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 और एक क्लोरीन का 35.5 अगर आप लेते हैं तो 4 क्लोरीन के लिए 35.5 गुना 4 करेंगे 142, और इस तरह से आपका 154 ग्राम पर मोल, एक मोल के लिए पायरीन का द्रव्यमान मिलेगा आपको 154 ग्राम। एक मोल पायरीन का द्रव्यमान होगा 154 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग इसका एक मोल पायरीन का आणविक द्रव्यमान अगर निकालते हैं तो आपको 154 ग्राम आएगा। इसके बाद जो सिंपल सा हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था उसका यूज करेंगे, और प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि पायरीन की मात्रा कितनी है। तो प्रश्न में पायरीन की मात्रा 250 ग्राम है, तो क्या करते हैं, पायरीन के मोल की संख्या, पायरीन के मोल की संख्या बराबर मात्रा, पायरीन की मात्रा ग्राम में, पायरीन की मात्रा ग्राम में 250 ग्राम डिवाइडेड बाई पायरीन का मोलेकुलर मास। तो मोलेकुलर मास 154 ग्राम पर मोल। यहां से आप देखेंगे कि ये जो ग्राम ग्राम है वो कट जाएगा और आपका 1.62 मोल मिल जाएगा। पायरीन की मात्रा 1.62 मोल प्राप्त होगा। तो इस सिंपल सा फॉर्मूला को
इसके महत्व को ध्यान पर रखते हुए मैं से कभी एक बार फिर आप रिपीट करूंगा आपके साथ। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए मोल निकालने के लिए हम लोग मोल ज्ञात करने के लिए वन स्टेप टुवर्ड्स नीट के चौथी श्रृंखला में हम लोग मोल ज्ञात करने के लिए मोल की संख्या एक तीसरे सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और वो हो जाता है मोल की संख्या बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या डिवाइडेड बाई एन ए एवोगाड्रो नंबर। इसी चीज को अगर अंग्रेजी में लिख दें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर, या इसी को आप एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह हम लोग मोल निकालेंगे और इसका यूज, इस सूत्र का उपयोग करने के लिए एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन वन ऑक्साइड के अणुओं की संख्या, नाइट्रोजन वन ऑक्साइड के अणुओं की संख्या, नाइट्रोजन वन ऑक्साइड के अणुओं की संख्या यदि 3.011 गुना 10^24, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन वन ऑक्साइड के अणुओं की संख्या यदि 3.011 गुना 10^24 हो तो नाइट्रोजन वन ऑक्साइड के अणुओं की संख्या यदि 3.011 गुना 10^24 हो तो इसके मोल की संख्या ज्ञात करें, इसके मोल की संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। दिया हुआ है नाइट्रोजन वन ऑक्साइड के अणुओं की संख्या 3.011 गुना 10^24 और आपसे कहा जा रहा है कि इसके मोल की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन वन ऑक्साइड ये बोला जाता है किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को ही, उसी का स्टॉप नोटेशन है, नाइट्रस ऑक्साइड का ही स्टॉप नोटेशन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी दैट इज N2O, इसी में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 है तो नाइट्रोजन वन ऑक्साइड इसका नाम लिखते हैं। इसके अणुओं की संख्या दी हुई है, N2O के अणुओं की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.0, अणुओं की संख्या दिया हुआ है 3.011 गुना 10^24, इतना अणु दिया हुआ है। अब N2O के मोल की संख्या, N2O के मोल की संख्या की बात करते हैं, N2O के मोल की संख्या की यदि आप बात करते हैं तो यह हो जाएगा कणों की संख्या, मतलब 3.011 गुना 10^24 और उसमें भाग दे देंगे 6.022 गुना 10^23 से, यानी एवोगाड्रो संख्या से भाग दे देंगे और इस तरह आपका N2O के दिए गए अणुओं की संख्या में कितने मोल होंगे ये निर्धारित आसानी से हो जाएगा। तो यहां 10^23 है, 10^24 है, 10^1 बचा यानी 10 बचा,
और ये एक बार में और ये दो बार में कटेगा, तो आपका बचेगा क्या, एक गुना 10^1/2। इस तरह ये आपका 0.5 × 10, इसका मतलब 5 mole आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरह अगर अणुओं की संख्या दी गई हो तो हम लोग किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या का मान निर्धारित कर सकते हैं, अणुओं की संख्या दी गई हो तब। एक और चीज, अणुओं की संख्या के साथ साथ परमाणुओं की संख्या या फिर परमाणुओं की संख्या या फिर आयनों की संख्या भी दी गई हो तब आप इसका अणु, इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या दी गई हो तो आप इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। जय हिंद।